जमाना कितना बदल चुका है, इसके नए नए उदाहरण अक्सर आप देखते हैं और सुनते ही रहते हैं। पर कई बार ऐसे वाक्य भी सामने आते हैं जिन्हें सुनकर एक बार तो अपने कानों पर ही विश्वास ही नहीं होता है ना, और ये दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये सब करने वाले इतना दिमाग और इतना कलेजा लाते कहां से हैं? अगर इतना दिमाग इन्होंने शायद किसी और काम में लगाया होता तो आज यकीनन ये किसी ना किसी बड़े मुकाम पर जरूर होते। आए दिन अखबारों टीवी चैनल्स पर आप ठगी की खबरें देखते और पढ़ते रहते ही हैं, पर आज मैं जिस ठगी की बात आप लोगों को बताने जा रही हूं वैसी ठगी तो आपने ना तो आज तक सुनी होगी और ना ही कहीं देखी होगी, और हो सकता है एक बार तो आपको अपने कानों पर भी यकीन ना हो। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूं ऐसी दो महिलाओं की जिन्होंने लोगों को चूना लगाने के लिए पहले प्रकृति को चूना लगाया। मतलब ये कि दोनों महिलाएं होते हुए भी पति पत्नी बनकर रहने लगे, और फिर जब सबको विश्वास हो गया तो लाखों का चूना लगाकर चंपत हो गई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। दरअसल सीकर की दाता रामगढ़ थाना पुलिस ने दो महिलाओं को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन दोनों महिलाओं पर आरोप है कि इन्होंने दर्जनों लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया। सबसे खास बात यह है कि दोनों के महिला होने की जानकारी इनकी गिरफ्तारी से पहले किसी को नहीं थी। ये दोनों जहां भी किराएदार के रूप में रही, पति पत्नी की तरह रही। इनकी गिरफ्तारी के बाद जब इनकी मेडिकल जांच कराई गई तो इनके महिला होने का राज खुला। ठगी की मास्टरमाइंड ये महिलाएं गुजरात की रहने वाली हैं। पुलिस के मुताबिक इनकी पहचान गुजरात की रहने वाले रितुबेन पटेल और दर्शना पंडित के रूप में हुई है। आज तक रितुबेन पटेल रितुभाई पटेल बनकर रह रही थी और दर्शना पंडित उसकी पत्नी बनकर रह रही थी। पति पत्नी बनकर इन दोनों महिलाओं ने ठगी की बड़ी से बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें बिजनेसमैन से लेकर फल सब्जी वाले, रिक्शा वाले से लेकर मकान मालिक तक शामिल हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान ये दोनों महिलाएं एक टैक्सी ड्राइवर के साथ दाता रामगढ़ इलाके के दलपतपुरा गांव आई थी। यहां पर तेजाराम नाम के व्यक्ति के घर पर किराएदार के रूप में 9 महीने रही। इस दौरान ये बताती थी कि इनका सीकर में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए यहाँ किराए पर रह रही हैं। तेजाराम के साथ साथ आसपास के कई लोगों से भी इन्होंने जान पहचान भी कर ली थी और करीब 1 दर्जन लोगों से लाखों रुपए ठग कर फरार हो गई। सुनिए इस पूरे मामले में हिम्मत सिंह, SHO दाता रामगढ़ को। दिनांक 5 जून 2021 को थाना दाता रामगढ़ में तेजाराम बड़ाई निवासी दलेलपुरा दाता रामगढ़ ने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे घर पर रितु पटेल व दर्शना पंडित दोनों पति पत्नी बनकर रहे तथा शिकर में अपना कोई प्रोजेक्ट चलने की बात कहकर किराएदार के रूप में रहे तथा प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी को लेकर हमारे से करीब 5 लाख रुपये प्राप्त कर लिए, और उसके बाद में प्रोजेक्ट की हिस्सेदारी का एक एग्रीमेंट लिखवा कर रुपए हड़पकर हमारे घर से जो किराया बाकी था वो छोड़कर फरार हो गए। दाता रामगढ़ से फरार होने के बाद दोनों महिलाएं त्रिवेंद्रम चली गई। वहां भी कई लोगों को ठगी का शिकार बना डाला। हर जगह इन्होंने फर्जी आईडी से कमरा लिया और अपना पता भी सही नहीं बताया, और आखिरकार दाता रामगढ़ पुलिस को इनके गुजरात के मेहसाणा में होने की खबर मिली तो पुलिस ने दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की तलाश हेतु गुजरात मेहसाणा से टीम भेजी गई। जो टीम गई मेहसाणा से, दोनों रितु पटेल व दर्शना पंडित को वास्ते पूछताछ लेकर हमरा लेकर थाने पर आए। पूछताछ के दौरान पाया कि जो रितु पटेल है वो उसका महिला होने के संबंध में संदिग्ध लगी कि वो पुरुष नहीं होकर महिला है, जिस पर उच्च अधिकारियों का अवगत कराया जाकर मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाकर रितु पटेल का मेडिकल करवाया गया तो रितु पटेल का महिला होना पाया गया। एक महिला की शारीरिक बनावट पुरुष जैसी होने पर रितु पटेल और दर्शना पंडित पुरुष और स्त्री बनकर साल 2015 से साथ साथ रह रहे हैं और देश के अलग अलग भागों में रहकर लोगों से धोखाधड़ी करते हैं। इन दोनों महिलाओं ने उत्तराखंड, केरल, देहरादून, महाराष्ट्र, दिल्ली, जयपुर, अजमेर, सीकर आदि जगहों पर पति पत्नी बनकर कई लोगों से धोखाधड़ी करके लाखों रुपए हड़पे हैं।
जो दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे तथा पति पत्नी के रूप में रहकर देश के विभिन्न भागों में कई लोगों से धोखाधड़ी करने की बात भी सामने आई, जिसमें पूछताछ से उत्तराखंड, जयपुर, सीकर, मेहसाणा, महाराष्ट्र आदि जगह उन्होंने कई लोगों से धोखाधड़ी करने की बातें सामने आई है, जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है और न्यायालय से 2 दिन का पुलिस प्रोडक्शन प्राप्त किया गया है, जिनसे अभी लोगों से धोखाधड़ी की उनके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। सीकर जिले में भी काफी लोगों से धोखाधड़ी की बातें सामने आई है, जिनकी गिरफ्तारी के पश्चात कई लोग थाने पर संपर्क कर रहे हैं, जिनसे सभी बातों में गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। जब इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार करके पुलिस थाने लेकर आई तो बातचीत के दौरान रितु भाई पटेल के स्त्री होने का शक हुआ, तब पुलिस ने इन दोनों का मेडिकल कराया और उसके बाद ये राज सामने आया कि रितु भाई पटेल जो खुद को दर्शना का पति बता रहा था वो असल में महिला है। दुनिया एडवांस हो रही है ये सभी जानते हैं, पर शायद लोग ये भूल गए कि दुनिया में सिर्फ वही लोग नहीं आते जो देश और दुनिया को अपनी मेहनत के दम पर आगे ले जाना चाहते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग आते हैं जो ऐसी ठगी करके भोली भाली जनता की मेहनत का पैसा लूटना चाहते हैं। इसलिए हम सभी को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों के सर पर सींग नहीं होते। तो ये थी राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेट्स टॉक अबाउट योर सेल्स टुडे। सो हाउ डू वी कन्वर्ट द कस्टमर हु आर नॉट कमिंग टू अस? फर्स्ट we need to take the customer to us and then we need to convert it into sales. And what will happen if the customer reaches us but conversion doesn't? Lead comes but conversion don't. 100 leads and 1 conversion or even less. अक्सर प्रमोशन से पहले नौकरियों में मुलाजिमों के बीच एक कहावत बड़ी आम है, काम कर या ना कर पर काम का जिक्र जरूर कर, जिक्र कर या ना कर पर उस जिक्र की फिक्र जरूर कर। तो कई बार जब काम नहीं करने वाले मुलाजिमों को काम का दिखावा करने पर और उस दिखावे का गुणगान करने पर भी रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन हम बिजनेसमैन गलती यहीं पर करते हैं कि काम करके भी उसका जिक्र नहीं करते, और करते हैं तो उसे तरीके से नहीं करते जो सबको पसंद आए और समझ आए। सवाल फिर से वही है, लीड आ तो रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रही, 100 लीड्स में से एक ही कन्वर्ट हो पा रही है, आखिर वजह क्या है? The answer lies in the basics of reaching out to the customers. Now let's take an example. Now if a girl is a crush to many in her college, then how do boys reach out to her? वो उस रास्ते में जाएंगे जो वो कॉलेज से घर के लिए लेती है, and then they reach out to her. But क्या वो सबका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है? रीच तो कई कर रहे हैं लेकिन वो अक्सर एक ही का प्रपोजल मानती है। हम कहते हैं शायद उसने कुछ अलग ढंग से प्रपोजल दिया होगा। That simply means out of many who are reaching, conversions happen of only those who are reaching and then presenting in the most impactful and the most special way. अब उन कस्टमर्स का घर से कॉलेज जाने का पहले रास्ता अखबार या टीवी था। जिस रास्ते में हम खड़े तो हो जाते हैं यानी एड तो चला देते हैं, लेकिन एड का इम्पैक्ट केवल उस पर ही पड़ता है जिसकी प्रेजेंटेशन स्पेशल हो। आज वो रास्ता गूगल है, लेकिन कन्वर्ट आप तभी होगे जब आप वीडियोस के जरिए जाओगे। रीच तो कई लोग कर रहे हैं, कन्वर्ट आपको वीडियोस करेंगे। वीडियो सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, वो कितना कंटेंट रिच है, कितना कॉन्सेप्ट रिच है, कितना विजुअल रिच है, उससे होगा। वीडियो तो आपका मोबाइल भी बनाता है, लेकिन जब आप डिजिटल क्रांति के जरिए पूरी दुनिया में दिख रहे हैं तो आपकी जजमेंट भी पूरी दुनिया कर रही है, इसीलिए लेवल भी उसी तरीके का होना चाहिए आपके वीडियोस का। और मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको यही ताकत देता है। 15 से ज्यादा प्रोफेशनल्स एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, जहां कॉन्सेप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोक्स पर्सन, एंकर्स, एनिमेशन, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर मिलेगा। तो आप देर मत कीजिए, तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर, या फिर हमें विजिट कीजिए missimediasolutions.com पर।